अक्षय कुमार का दिल ट्विंकल और अपनी फैमिली के अलावा और भी किसी के लिए धड़कता है। जी नहीं, हम किसी लड़की की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में। अक्की का दिल धड़कता है स्पोर्ट्स के लिए। हाल ही में अक्की पहुंचे गोल्फ प्रीमियर लीग को लॉन्च करने, चलिए हम भी चलते हैं। वैसे तो अक्की के कराटे और स्टंट्स प्रेम से हम सभी वाकिफ हैं, पर इन दिनों अक्की प्रमोट कर रहे हैं गोल्फ प्रीमियर लीग को, क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन अक्की चाहते हैं कि हर स्पोर्ट को बढ़ावा मिले। I'm fascinated because first group is also wants to go to all different kind of sports, and here comes golf, right? I'm sick and bored of cricket. I want them to go, and they are. Here's the chance for everybody to go for different kind of sports. So I'm here, and you will find me every sports when it comes along to purpose. That's how it is. अक्की का ये स्पोर्ट्स प्रेम शुरू से ही उनकी लाइफ का हिस्सा है। इनफैक्ट अक्की तो ये भी मानते हैं कि उनको फिल्मों में एंट्री भी उनके कराटे टैलेंट को देखकर ही मिली थी। बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलते आया हूँ, मेरी पहचान स्पोर्ट्स से है। मैं फिल्मों में आया मार्शल आर्ट की वजह से। मुझे अगर किसी ने पहली फिल्म दी, वो मेरे कोई एक्टिंग टैलेंट के ऊपर नहीं दी थी, मैंने अच्छी किक मार लेता था उसने दी थी, और उसी बदौलत से मैंने तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं पहली बार आया था मैंने तो जिंदगी में कैमरा नहीं देखा था। देखा जाए तो ज्यादातर स्टार्स ऐसी किसी इवेंट को सपोर्ट करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन खिलाड़ी कुमार की सोच यहाँ थोड़ी अलग है। वो इस इवेंट पर पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने दिल के लिए आए हैं। देखिए, स्पोर्ट्स मैं आते ही कहा था कि स्पोर्ट्स मेरे लिए जो है वो पहला, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, फिर एक एक्टर। सब एक एक टीम ओन करते हैं, जैसे आपने बताया, मैं सबका सारा का स्पोर्ट्स ओन करना चाहता हूँ। जितना जितनी कबड्डी चीज़ है बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मेरे फादर खुद रेसलर थे, कई जनों को नहीं पता इसके बारे में। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक आमदनी लाने के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ से मेरी आमदनी आएगी, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ कि मेरी कोई आमदनी इसमें से आई। वी मस्ट से कि ब्रांड एम्बेसडर काफी अच्छा चुना गया है। अक्की की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर लगता है कि गोल्फ प्रीमियर को भी एक नई पहचान मिलेगी।